हेलो फूडीज, आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी। इस बर्फ़ी को आप किसी भी व्रत में बना के खा सकते हैं और इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। तो चलिए बना लेते हैं फिर इसे। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है दो गोले, जिसे हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इसे ड्राई रोस्ट करना है हल्का कलर चेंज होने तक। देखिए रोस्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर दो कप मखाने लिए थे, उसे भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है। ये देखिए एकदम मैश हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो हमने लिए है हाफ कप मूंगफली, इसे भी हमें रोस्ट करना है। अब इसका छिलका हटाकर हमें इसे दरदरा ग्राइंड करना है। इसी तरह से हमें मखानों को भी दरदरा ग्राइंड करना है। अब हमने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से खरबूजे के बीज, इसे भी हल्का रोस्ट करना है। ये देखिए हमारा सारा मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है। ये टोटल हमारा 4 कप मिक्सचर था। अब इसके लिए हमें चाशनी बनानी है। हमने यहाँ पर लिया है 1.5 कप पानी। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप चीनी और इसे हमें एक तार की चाशनी आने तक पकाना है। चाशनी को चेक करने के लिए हमने एक कटोरी में पानी लिया है और उसमें हम थोड़ी सी चाशनी डालेंगे। देखिए इस तरह से ही एक डो के रूप में आ रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी बन चुकी है। या आप हाथों से भी एक तार चेक कर सकते हैं। हम इसमें सारा मिक्सचर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके एक थाली में घी लगाकर उसके ऊपर इसे हमें फैलाना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये हल्का गर्म है तभी आप इसमें कट लगा दीजिए, वरना बाद में लगाएंगे तो ये बिखर सकता है। तैयार है हमारी मेवा की बर्फ़ी। इसे आप किसी भी व्रत में ट्राई कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए इसे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।